नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान YouTube चैनल पर। दोस्तों, दो लोगों के बीच, दो लोगों के मध्य संबंध खराब हो रहे हैं, संबंध बिगड़ रहे हैं, कोई दरार पड़ रही है आपके रिश्ते में, या कोई तीसरा व्यक्ति आपके प्यार के बीच आ गया है, आपके रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रहा है, या आपके किसी अपने को आपसे छीनने की कोशिश कर रहा है। अपने प्यार को, चाहे वह लड़की हो, लड़का हो, पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, कोई दोस्त हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। दोस्तों, इस उपाय को आप संकोच कर सकते हैं। अगर आप उपाय करते समय कोई गलती भी कर लेते हैं तो इसका कोई भी दुष्परिणाम आपको नहीं मिलेगा। यह हल्दी से होने वाला उपाय है, एक चुटकी हल्दी से यह उपाय हो जाता है। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। केवल 5 से 10 मिनट का उपाय होने वाला है। बस 5 से 10 मिनट आप अपने लिए निकाल लीजिए और जब भी आपके पास उचित समय हो तब आप इस उपाय को कर लीजिए। आपका प्यार, आपका वह चाहने वाला बस आपसे आकर जुड़ जाएगा। अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा है, आप दोनों की बातें बंद है, आपको छोड़कर के दूर जा रहा है या किसी और के कारण आपको छोड़ रहा है, तो बस यह उपाय कर लेना। वह व्यक्ति आपकी गुलामी करेगा, दिन रात आपके चक्कर लगाएगा, आप हर वक्त उसके दिमाग में, उसके दिल में छाए रहोगे। उपाय को जानने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि उपाय को पूरे विश्वास के साथ करें। जितनी विश्वास और धैर्य के साथ उपाय को करते हैं उतना ही वह आपके लिए असर करता है। अगर आप इसे ठीक प्रकार से कर लेते हैं तो यकीन मानिए, 2 दिन के भीतर यह अपना प्रभाव, अपना असर सामने वाले पर शुरू कर देता है। तो उपाय जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां मिलती रहे। और अगर आप हमसे वशीकरण परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप 200 रुपए की फीस दे करके डायरेक्ट फोन कॉल के थ्रू हमसे कुंडली विश्लेषण और वशीकरण परामर्श ले सकते हैं। हम 100% आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए अब जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, उपाय को शुरू करने से पहले इस बात का विशेष करके ध्यान रखें कि स्नान अवश्य कर लें, और अगर आप स्नान नहीं कर सकते तो हाथ पैर अच्छे से धो लें। इस उपाय को आप कभी भी और किसी भी दिन कर सकते हैं, और आपको उपाय को एकांत स्थान पर अकेले में करना है, यानी घर पर ही आपको बंद कमरे में करना है। तो आपको क्या करना है, एक स्थान पर बैठना है, जहां बैठेंगे कोई आसन कपड़ा अवश्य बिछा लें, और आपकी जो बैठने की दिशा होगी वह पूर्व की तरफ होगी, यानी जिस दिशा से सूर्योदय होता है उस दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठना है। इसके बाद जब आप बैठेंगे तो आपको अपने साथ कटोरी में 1 चम्मच हल्दी लेना है, साथ में आपको 1 कागज लेना है, छोटा सा, जो प्लेन कागज होना चाहिए, यानी आगे पीछे कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, जो हल्दी है उसमें से आपको 1 चुटकी हल्दी उठानी है, और आपका जो उल्टा हाथ है, जो आपका लेफ्ट हैंड है, उसकी जो हथेली है उसका पीछे वाला भाग, यानी बिल्कुल सेंटर में आपने जो चुटकी में हल्दी पकड़ा हुआ है उसे छला देना है, यानी चुटकी को वहां रखना है। इसके बाद आपको आंखें बंद करके उस व्यक्ति का स्मरण करना है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, चाहे वह स्त्री है या पुरुष है, जो कोई भी है उसको आपको अच्छे से स्मरण करना है। और उसके बाद आपको एक मंत्र बोलना है, ओम त्राय त्रिहु अमुक वश्यम वश्यम, अमुक स्थान पर उसे व्यक्ति का नाम लेना है जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं, और मंत्र को आपको 8 बार बोलना है। इसके बाद आपको इस चुटकी की थोड़ी सी हल्दी एकदम थोड़ी सी हाथ के ऊपर छोड़ देना है जहां आपने छलाया था, और बाकी हाथ में ही रहने देना है, और इसको जो आपने चम्मच में हल्दी लिया है उसमें डाल देना है, और इस चम्मच को लगभग 10 मिनट से अधिक अपने घर में संभाल कर रखना है, और 10 मिनट से अधिक होने के बाद इस हल्दी को, जो कागज आपने रखा है अपने पास, उस कागज में रखकर उसकी पुड़िया बना लेनी है, और इसे आपको अपने किसी खास स्थान पर 1 दिन संभाल कर रख लेना है।
इसके बाद अगले दिन कागज समेत इस हल्दी को घर से बाहर लेकर जाना है और बाहर बिखेर देना है और वहां से आपको वापस आ जाना है और वापस आते समय आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। घर आने के बाद आपको अपना हाथ पैर धो लेना है। इतना उपाय करने के बाद आपको केवल इंतजार करना है। वह इंसान जिसके लिए आपने इस उपाय को किया है वह मात्र दो दिन में खुद आपसे संपर्क करने का प्रयास करेगा, आपको किसी न किसी तरीके से जोड़ेगा और अपनी गलतियों के लिए आपसे माफी मांगेगा। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।